दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक ट्रायंगल जिसका नाम क्या है, इसे ए बी सी है, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल बी बराबर 45 डिग्री, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5, क्या बाबू ठीक है सबसे पहले क्या करते हो, बीसी तो बनाना ही बनाना, जो पहला था उसी रूट पे चलेंगे, बीसी बनाते हैं, यहाँ पे क्या परमिशन करना है 45 डिग्री पे परमिशन करना है, बताना जोड़े चाहे घटाओ, अगर मान लो एक ही चलते हैं, जोड़े के चाहे घटाएंगे, इस पे चलेंगे ऊपर चलते हैं तो कितना 3.5 काट देना हो, इसे 3.5 का हम काट के इसका नाम दे दीजिए x, इसका नाम दे दीजिए, अब इसे क्या करते हैं बाबू, मिला देते हैं ना, ठीक है जब हम मिला दिए हैं इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे, जिसको मिलाते हैं x मान को, इसको क्या करते हैं हाफ करते हैं, अब इसको जो हाफ करेंगे तो कहने के लिए क्या होगा, इसलिए क्या करेंगे वो कहने के लिए बाइसेक्ट करेगा, लाइन की जो बाइसेक्ट है तो, और बताना इस जहाँ पे बाइसेक्ट है उसको किस नाम से जानेंगे, क्या करते हैं इसको, सेम मतलब सबसे पहले आपने क्या किया बाबू, कि एक लाइन ड्रॉ किया, जब लाइन ड्रॉ की है उसमें से क्या किए यहाँ पे हमने बोला है बी को कितना लिखेंगे, इसको लंबा मानते हैं, पहली क्लास बताए थे ये लंबा मानते हैं, और इसी लंबाई क्या करते हैं, जो लाइन जोड़ कर घटा करते हैं उसे क्या कर देते हैं, उतना पर कट कर उसे क्या मानते हैं, हाँ एक्स मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, और इसको सी से क्या कर देते हैं, और जिसको मिलाते हैं सी से क्या करते हैं दो भागों में, और जो दो भागों में काटने जो लाइन होता है वो कहीं कहीं इस साइड क्या करेगा, कहीं कहीं जैसे कट करेगा वो पॉइंट मेरा ए बन जाता है, ठीक है, तो ऐसे बना सकता मेजरमेंट वाला दिखा रहा है, इसमें एक गलती दिख रहा है उसको कितनी गलती बनाएंगे, ये तो सही बना रहे थे सही है, बस वो पहला प्रोसेस था, सेम प्रोसेस चला रहे थे उतना नहीं होता है, और मतलब ये जो लाइन है ना, इस लाइन को दो भागों बांटना है, क्या करना है, इस लाइन फर्स्ट लाइन को सर ये है ना, इसको दो भागों बांटना है, इस लाइन आधे से ज्यादा दूरी इधर इधर कट करेंगे, फिर यहाँ आधे ज्यादा दूरी इधर और इधर कट करेंगे, उस पर जो मिला है ना लेकिन कहेंगे इस लाइन मिलना चाहिए, बोलोगे वो वाला क्वेश्चन है कि उसमें क्या अंदर था, चलो मिटा दीजिए, वो बहुत मोटा हो गया, पीछा लगा के पहले से काम एक बात है, एक बात ना कंडीशन इवन पहले कंस्ट्रक्शन सर, तो कंडीशन बोला है हां कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन लिखवाया लगता है कि इसमें स्टेप नहीं आ रहा था, पहले पहले क्या किए लाइन की है, इस बार लाइन एक और की एंगल से बनाए, उसको मैंने एक पॉइंट के जितने के बराबर है उसको मिलाया, फिर आप किए सर इसी के लिखवा रहे नहीं नहीं अब मैथ से नहीं मतलब ऊपर कब जाएंगे नीचे कब जाएंगे, तो मान लीजिए सबसे पहले था लोगे ड्रॉ करो क्या ए बी सी हमारा ये भी सी सेकंड है ड्रॉ करना है, अगर पहला कंडीशन बोलता है ए बी और ये सी में क्या क्या हो सम दिया कुछ ना कुछ दिया होगा, तब क्या करेंगे जब भी सम देगा कहाँ भागेंगे ऊपर ऊपर की तरफ में, कंडीशन ऐसा होता है इधर कट करेंगे देखो अगर मान लीजिए ये हम क्या बी सी और इसको कहीं कहीं जब मैनेजमेंट में कट करेंगे उसे क्या मानेंगे और एक्स क्या करते हैं फिर इसको दो भागों में बांट करते हैं ऐसे कट ना हिसाब से दो भागों में बांट करके कितना है उसको ये पहला कंडीशन और ऑप्टिकल से इसको समझिए ठीक है, दूसरा कंडीशन तब होता है कि जब ए बी में से क्या घटना हो ए सी को घटाया जाता हो ठीक है, तब जब नहीं नहीं ए बी बड़ा है अभी भी प्लस का छोड़ दो माइनस में फॉलो करता है प्लस पैसा कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि जब माइनस कंडीशन आएगा तो ए बी इसमें क्या है बड़ा है तभी ए सी घटा है, ए बी बड़ा है तो ए सी घटा है, अगर ए सी बड़ा है इसमें घटा है ठीक है, इसमें कंडीशन क्या करेंगे सेम कंडीशन
यहाँ बी मानेंगे सी मानेंगे, लेकिन इस बार कहीं कहीं छोटा सा आएगा, इसको मानेंगे एक्स, और इस बार जब कट होगा इस बार कहाँ होगा, बाहर मतलब कैसे बाहर का बता रहे हैं, लिमिट कट नहीं है यहाँ पर, इसको क्या करेंगे हाफ करेंगे बबूला, कहीं ना जब हाफ करेंगे इसको किसी मेथड से कि कहीं नहीं क्या करेंगे शायद को कट करेगा और वही क्या कराएगा क्या कट देगा। थर्ड कंडीशन कहता है कि अगर ए सी माइनस क्या देते हो ए बी, क्या दे दिया हो और बता रहे इसमें बड़ा कौन है लेकिन जब ये हिस्सा बड़ा होगा तो नीचे आएंगे, और जब ये हिस्सा बड़ा रहेगा तो ऊपर जाएंगे। मतलब हम बोले कैसे पहचानते हैं एबीसी, क्योंकि यहाँ पर क्या दे देता है डिग्री दे देता है, इसीलिए हम इसको बेस मान सकते हैं। इसे क्या मान कर रहा हूँ, हमारा बेस है। तो मैं इसका फॉर्मेशन कैसा होगा, ऊपर भी खींचेंगे खींचेंगे साथ क्या करेंगे नीचे भी खींचेंगे। अब देखना जो ये डिनोट करेंगे इस लाइन पे करेंगे, इस लाइन पे करेंगे, जैसे कि हमने इसको कहाँ डिनोट किया था है ना, ऊपर लाइन पे डिनोट किया था यहाँ पर, इसको भी डिनोट किया था यहाँ पर, देखिए इसको डिनोट करेंगे हम इस लाइन के नीचे, और फिर मान के यहाँ पर जो मिल गया उसको क्या करेंगे किसी मिला किसी से मिला देंगे। अब इसको हाफ करेंगे जैसे कर रहा हाफ करो, फिर जब इसको मिलाएंगे तो हमें जो पॉइंट मिले उसका नाम कर देंगे ए, इसका नाम कर देंगे ए, और फिर कैसे करेंगे इसको मिलाएंगे। देखो ऐसे देखने में क्या लगेगा, ए भी क्या है छोटा और इसी क्या है अब उसमें दो दो एंगल से लेकर चला जा रहा है, उसे दो दो एंगल से लेकर आया है इसमें। अब देखो समझ आया ना बाबू, प्लस आएगा तो ऊपर और ये हिस्सा तो बड़ा रहा है, ये हिस्सा तभी भी ऊपर ऊपर ही जाएंगे, लेकिन अगर ये हिस्सा छोटा हो गया मतलब ये भी छोटा हो गया ऐसे क्या हो गया बड़ा हो गया, कैसे पहचानेंगे ये छोटी बड़ा, और यहाँ जो रहता है ना जिसमें से जो घटता है वो छोटा होता है, ये घट रहा है ये छोटा हो गया और ये घटवा रहा अपने अंदर से तो बड़ा, सिंपल से यहाँ भी था ये भी बड़ा था ए सी बड़ा हो गया, जब ए सी बड़ा हो गया तो नीचे तक आएंगे, और इसमें पी क्यू आर भी तो बोल सकते हैं ना, अब जैसे तेबीसी नहीं देगा तो पी क्यू आर में दे दो मान लो पी क्यू आर यही बनाएंगे, पी को हमेशा बैठे समाएंगे है ना, फिर इसको बना देगा हूँ कितने को दे तीन को दे पाए इसमें बता ब्लड अच्छा सोचिए बात है ना कि हम लोग भी ब्लड चढ़ा दे उल्टा पुलटा मच्छर घूमते हैं, एक मच्छर से क्या करता रहता है। देखो हम लोग एक चीज क्या फाइनली डिसाइड कर सकते बाबू, अगर ये पर्सन क्या हो है ना, अगर ये आधार मान लिया जाए तो, अगर ये पर्सन बड़ा हो तो कंडक्शन में कहाँ जाएंगे हमेशा, ठीक है बस ये पर्सन क्या होना चाहिए प्लस हो चाहे माइनस, ये पर्सन बड़ा हो, अगर ये पर्सन क्या आ जाए बाबू छोटा, यानी क्या होना चाहिए बड़ा, तो कहाँ जाएंगे नीचे नीचे, बस ये मेन बात बस याद रखो। क्योंकि हमने ए बी ए बी लिखा रहे हैं, हो सकता है कुछ और नाम दे दे तो अगर हम ए बी सी पढ़ रहे हैं या पी क्यू आर दे रहा है एक्स वाई जेड सर सही में सर सब ब्लड काफी बात कर रहे हैं, ये ब्लड से तो करो करो
सच्चाई होती है।